नमस्कार दोस्तों, पेश है आज ऐसा नुस्खा जिसको नहाने से पहले चुटकी भर इस चीज को तेल में मिलाकर लगा लो, जितने लंबे बाल चाहो उतने पाओ। दोस्तों, महिलाओं को काले घने बाल मिल पाए यह किसी करिश्मे से कम नहीं, और उनको लगता है कि लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। लेकिन जब बाल झड़ने लगे तो समझो परेशानी का सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर बालों का पतला होना, झड़ना और धीरे धीरे उनकी एक पतली सी चोटी बन जाना परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बाल लंबे घने बनेंगे और बाल काले और मोटे बनेंगे। बालों की एक मोटी चोटी के साथ जमीन तक लंबे बाल भी आपको मिल पाएंगे। और मैं भी ऐसा चाहता हूं कि आपके बाल इतने मोटे लंबे घने बने। तो चलिए बातों को करना बंद करते हैं और नुस्खे के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और यह प्यार आगे भी मिलता रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें, और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए सबसे पहली चीज आपको सूखे आंवले का पाउडर लेना है। दोस्तों, आंवले में वो ताकत है जो वह बालों को देखकर बालों की हर खराब हालत को ठीक करके बालों को लंबे करने में अपना फुल सपोर्ट देता है, और बाल तेजी से लंबे काले बन पाए इसके लिए आंवला पाउडर लगातार काम करता रहता है और बालों को तेजी से लंबे काले बना पाता है। इसलिए आंवले का चुटकी भर पाउडर बालों को सुंदर जमीन तक बनाने के लिए बहुत ही कारगर है। यह नुस्खा आप घर पर आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, सूखे आंवले के पाउडर के साथ साथ आपको एलोवेरा जेल का यूज करना है। दोस्तों, आंवला जहां आपके फेस को सुंदर बनाने का तो काम करता ही है और आपकी बॉडी ब्यूटी को बढ़ाता है, वहीं एलोवेरा ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे फैटी एसिड, विटामिन ई तथा विटामिन सी भी बालों को मिलता है, जो हेयर को ताकत देकर बालों को तेजी से लंबे कर पाता है, और हेल्दी फॉलिकल हेयर फॉलिकल्स हेयर को मजबूत पकड़ देकर बाल हमेशा के लिए लंबे बने रहते हैं, और चिपचिपे बालों की समस्या को खत्म करके बाल तेजी से सिल्की शाइनी भी बन पाएंगे और तेजी से आपके बाल लंबे भी हो पाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ अगला इंग्रेडिएंट आपको 2 चम्मच प्योर कोकोनट ऑयल लेना है। और दोस्तों, लास्ट में जो इंग्रेडिएंट आपने लेना है वो है पोटैटो जूस। दोस्तों, आलू के जूस में विटामिन बी के साथ साथ जिंक भी भरपूर मात्रा में होता है। पोटैटो जूस बालों में आने वाली अधिक पसीने से बालों के कमजोर होने की समस्या को रोकता है और हेयर स्कैल्प को नरिश करके बालों को तेजी से लंबे करने में अपना पूरा एफर्ट्स दिखाता है, जिससे बाल आपके फास्ट स्पीड से लंबे हो पाए और नुकसान होने से बचे रहे। दोस्तों, अब इस नुस्खे को बनाने के लिए आप एक बाउल में चुटकी भर ड्राई आंवला पाउडर ले लें। उसके बाद इस बाउल में 2 से 3 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल भी डाल दें। उसके बाद आप बाउल में 2 स्पून फ्रेश पोटैटो जूस भी बाउल में डाल दें, और लास्ट में आप 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेकर वो भी बाउल में डालकर इन्हें सभी चीजों को आप अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे नहाने से पहले अपने बालों में लगा लें। 1 सप्ताह लगातार आप इस नुस्खे को अगर करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और इस नुस्खे को करने से आप अपने बालों को तेजी से लंबे कर पाएंगे, बालों की लंबाई जमीन तक हो जाएगी। यह नुस्खा आपको 100% लंबे बाल देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस नुस्खे को करके अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और उन्हें लगातार
हमेशा के लिए लंबे बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे कुछ नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।